लोग पास्ता सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए हम लोग पैन लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग घी डालेंगे, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। इसमें हम लोग लहसुन डालेंगे चार कली कटी हुई। इसमें हम लोग थोड़ी सी प्याज डालेंगे, एक प्याज है बारीक कटी हुई। अच्छे से भून लेंगे इसको। इसमें हम थोड़ी सी एक टेबल स्पून कैप्सिकम देंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। हाफ टोमेटो देंगे। अब इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालेंगे हम। सॉल्ट सबसे पहले डाल रहे हैं, थोड़ा टोमेटो सॉस 1 टीस्पून, थोड़ा चिली सॉस 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस है ये, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स। पास्ता है तो थोड़ा इटालियन मसाले डालने पड़ेंगे। इसमें पास्ता देंगे एक कटोरी, ये ग्रीक पास्ता है, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा हो गया है, इसको ठंडा होने देते हैं। चलिए पास्ता सैंडविच बनाते हैं। 2 स्लाइस ब्रेड लिया है, इसका साइड निकाल दिए हैं। इसमें बटर लगाएंगे थोड़ा दोनों साइड। ये पास्ता मिक्सचर है, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छे से इसमें स्प्रेड कर देंगे इसको हम लोग, चीज स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। पास्ता है तो चीज तो चाहिए ही, बच्चे बहुत खुश होके खा लेंगे चीज देने से। वैसे भी वो लोग पास्ता शौक से ही खाते हैं। इसको इसके ऊपर डालेंगे। चलिए इसको सेकते हैं हम लोग तवे पर। ब्रेड पे बाहर हम लोग बटर लगाएंगे थोड़ा सा इसके ऊपर और इसको तवे पे डालेंगे। इस साइड भी लगा देते थोड़ा सा ब्रेड बटर। इसको पलटते हैं, देखिए कितना अच्छा सेक गया है। इस तरफ से भी सेक लेते हैं इसको दाब के। हो गया है, चलिए हम लोग सर्व करते हैं इसको। देखिए पास्ता सैंडविच रेडी है हमारा।